नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला में वंदे मातरम समिति और बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति का कार्यक्रम संपन्न। मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला में वंदे मातरम समिति और बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण के निमित्त अयोध्या भेजी जाने वाली पवित्र ईंटों का संग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारत वर्ष की 21वीं अंतर्राष्ट्रीय सरहदों और अखंड भारत की केंद्र बिंदु बरसाली की मिट्टी, 27 पवित्र नदियों, सागर महासागर और कुंडों के जल से निर्मित पवित्र ईंटें जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का पर पूजन, दर्शन और सजावट के लिए रखी गई हैं। आमला क्षेत्र के धार्मिक स्थलों, मंदिरों में रखी गई ईंटों के संग्रहण के लिए आयोजित कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन में आमला और बैतूल से आए श्रद्धालुओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति और वंदे मातरम समिति के द्वारा आयोजित यहाँ आज ईंटों के संग्रहण के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य रूप से उपस्थित आनंद प्रजापति जी, रामचंद्र देशमुख जी, मालवी जी, नरेंद्र गड़ेकर जी, विठल दीप जी, उपाध्याय वकील साहब बबू चड्डा जी, बलवीर मालवी जी, राजेश पंडोले जी, विश्वकर्मा दीदी, मंडलाध्यक्ष यदुराज सिंह रघुवंशी जी, पंजाबराव देशमुख जी, लोनारे जी, अकरम भाई और सभी गणमान्य नागरिक, माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। और ये आज हमारे लिए बड़े गर्व की और खुशी की बात है कि आज यहाँ लोनारे परिवार द्वारा और सांस्कृतिक सेवा समिति वंदे मातरम समिति के द्वारा ईंटों के संग्रहण का कार्यक्रम किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 492 वर्षों के हमारी कड़ी तपस्या, हमारी मेहनत के बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य होने जा रहा है।